स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो जैसा कि हमारा सेशन चल रहा था बेसिक थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड, जो कि एसएससी जेईन से रिलेटेड जो कोर्स है, जो कि क्रैश कोर्स टाइप में हम डील कर रहे हैं, तो बेसिक थर्मोडाइनमिक्स में सबसे पहले हमने डील किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आज हम डील करने वाले हैं किससे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रीफ में थ्योरी है, कि जो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट्स है वो क्या होगा, और उसके बाद किस तरह के क्वेश्चंस जो पुट अप किए जाते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जिस बेस जो है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम बात करें कि टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूं कि मीजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट का या किसी बॉडी के मीजर हॉटनेस या कोल्डनेस की जो मीजर है उसको टेम्परेचर कहते हैं। या ये एक तरह का ड्राइविंग फोर्स है जो कि पोटेंशियल जो फ्लो एनर्जी के फ्लो का कॉज हो सकता है, या एनर्जी हीट जो कि हीट के फॉर्म में हो उसका कॉज हो सकता है, जो कि हम हीट में देखते भी हैं कि हीट इज़ ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तीसरा, अगर मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग अगर इसको देखूँ, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो कहती है कि जो टेम्परेचर है वो मीजर ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, उसका जो मीजर है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ये किसके बेस पे है? ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पे है। तो पैरामीटर्स विच डिटरमाइन द वेदर और नॉट अ सिस्टम इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम। तो एक ये पैरामीटर भी है कि डिसाइड करने के लिए कि कोई एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, तो वो जो चीज़ डिसाइड कर रही है थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए वो क्या है? टेम्परेचर है। तो एक तरह से अलग अलग तरह की डेफिनेशंस हो गई टेम्परेचर की। तो मेन जो चीज़ है यहाँ पर, जो हमारे काम की चीज़ है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेम्परेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि टेम्परेचर जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। टेम्परेचर जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसा कि हमने पहले बात की थी, ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक्सटेंट या मास पर डिपेंड नहीं करती उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमने बात की थी कि चाहे पूरे सिस्टम की ले, चाहे किसी सिस्टम के एक पार्ट की ले, किसी भी एक पार्ट के लिए प्रॉपर्टी ले, तो वो हर जगह क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि कोई सिस्टम है उसकी कोई प्रॉपर्टी P है, और उसके अलग अलग पार्ट्स की प्रॉपर्टी, मान लिया एक की P1, एक की P2, एक की P3, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के केस में क्या होंगी? ये सब इक्वल होंगी। तो जो टेम्परेचर है वो क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये हमारे जो काम की चीज़ है, सबसे पहले जो काम की चीज़ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? अगर टेम्परेचर ऑप्शन में है तो टेम्परेचर इज वन ऑफ द ऑप्शन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड चीज इसमें आती है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? यदि कोई दो सिस्टम है और दोनों सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इक्वल होगा, कब होगा? जब उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनके अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं हो, जब उनको कम्युनिकेशन में लाया जाए। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी से मेरा मतलब हो गया यहाँ पर, ये जो प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से मेरा क्या मतलब हो गया कि चाहे उसकी डायमेंशन हुई, डायमेंशन जैसे कि लेंथ, विड्थ, तो डायमेंशन हो गया, या कोई दूसरी चीज़ हो गई जो फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करती हो, तो अगर उनको कम्युनिकेशन में लाया जाए, एक बार उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनमें चेंज हो जाए और एक टाइम के बाद उनमें चेंज होना बंद हो जाए, तो उनके टेम्परेचर क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सबसे पहले इस लॉ का नाम जीरोथ लॉ क्यों पड़ा? जैसे कि हमने थर्मोडाइनमिक्स में के बारे में जितना हमें ब्रीफ आइडिया है, जितना हमें आइडिया है, तो जो थर्मोडाइनमिक्स के लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो जीरोथ लॉ जो आया, वो जितने भी लॉ आए उनके बाद इस लॉ के बारे में पता लगा, या इस जो टेम्परेचर है इसके जो बेसिस टेम्परेचर के बारे में पहले से पता था, जीरोथ लॉ जो फाइंड आउट किया गया, जीरोथ लॉ की जो भी जिस भी साइंटिस्ट ने जीरोथ लॉ के बारे में बताया, वो इन तीनों लॉज के बारे में बताया। अब बात क्या थी कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ,
इन सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आती है वो किसकी आती है, टेम्परेचर की। तो इसको फोर्थ लॉ तो कहा नहीं जा सकता था, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है कि यदि कोई दो बॉडी है ए और बी, वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसी तरह से कोई दो बॉडी है ए और सी, वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी कि अगर ए का टेम्परेचर है टी ए, यदि ए का टेम्परेचर है टी ए, बी का टेम्परेचर है टी बी और सी का टेम्परेचर है टी सी, ए का टेम्परेचर है टी ए, बी का टेम्परेचर है टी बी और सी का टेम्परेचर है टी सी। अब ए और बी यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टी ए बराबर टी बी, और ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टी सी, टी ए इज इक्वल्स टू टी सी, तो बी और सी भी आपस में किसमें होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कौन कहता है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। अच्छा एक चीज और, थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉ हैं उनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, स्टेटमेंट है, सारे के सारे क्या है, स्टेटमेंट है, इनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। तो इनको जो स्टेटमेंट है हमको एज इट इज हमको पिक करना है और उनको समझते हुए चलना है कि ये कह क्या रहा है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस प्रोवाइड कराता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा अब उसके बाद एक चीज आती है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री क्या होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ करेक्टरिस्टिक विद चेंज इन वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी कि जो हम बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी के चेंज होने का, तो टेम्परेचर के फंक्शन के फॉर्म में जो प्रॉपर्टी चेंज होगी उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और वो जो सब्सटेंस होगा उसको सब्सटेंस को हम कहेंगे थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। टेम्परेचर के फंक्शन के रूप में जो प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और वो जो सब्सटेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। इसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि यदि किसी चीज़ की डायमेंशन चेंज हो रही है, डायमेंशन से मतलब यदि एक्सपेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो वहाँ पर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। यदि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, मेटल का रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर हम थर्मो, उसको कहते हैं थर्मिस्टर या रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। उसके बाद यदि इंटेंसिटी कलर, कलर की इंटेंसिटी और रेडिएशन के फॉर्म में है तो उसको रेडिएशन थर्मोमीटर कहते हैं। यदि EMF के फॉर्म में है तो वो थर्मोकपल बन जाता है। यदि एक फ्यूजन ऑफ मटेरियल है तो वो क्या बन जाता है, पायरोमीटर। तो ये अलग अलग थर्मोमीटर्स हैं या टेम्परेचर मेजर करने के तरीके हैं जिनको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे या क्लासिफिकेशन उसमें देखेंगे। टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की हमें, रेफरेंस स्केल की हमें रिक्वायरमेंट है, रेफरेंस कंडीशन की हमें रिक्वायरमेंट है। तो जो एस्टेब्लिश की हमने तो उसको हमने नाम दिया टेम्परेचर स्केल। अलग अलग तरह के टेम्परेचर स्केल होंगे, एक होगा आपका सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में, एक होगा केल्विन में। तो सबसे पहले सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल की बात करें तो इसमें दो पॉइंट हम लेके चलते हैं, एक लेके चलते हैं आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कह लें, और एक लेके चलते हैं हम स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हम उसको कह सकते हैं, आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। आइस पॉइंट किस किस का होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ आइस एंड प्योर वाटर। सिमिलरली स्टीम पॉइंट किस किस का होगा, प्योर वाटर एंड वाटर वेपर। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आइस पॉइंट जो होगा, आइस पॉइंट किसका होगा, आइस एंड प्योर वाटर, सैचुरेटेड प्योर वाटर। और स्टीम पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस किस का होगा, प्योर वाटर एंड वाटर वेपर। आइस पॉइंट, फिर से बोल रहा हूँ, आइस पॉइंट किस किस का होगा, आइस और सैचुरेटेड प्योर वाटर का। एंड स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका होगा, प्योर वाटर एंड वाटर वेपर का। तो यहाँ से स्टैंडर्ड कंडीशन के बेस पर इन दोनों के बीच में रिलेशन सेट किया जाता है। रिलेशन सेट करने के लिए हम जो कैलकुलेशन के लिए हम जो स्केल बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि एक साइड हमने जैसे फारेनहाइट ले लिया, 212 डिग्री फारेनहाइट, 32 डिग्री फारेनहाइट, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कौन सा पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ये कौन सा पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ से हम फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो ईजिली ये हो सकता है। ये आपको इंटरपोलेशन की जो टेक्निक है उस, वो एक टेक्निक के तौर पर इसको यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद इसके ड्रॉबैक क्या है इस सिस्टम के,
सबसे पहली चीज़ तो स्टीम पॉइंट जो है वो बहुत सेंसिटिव, स्टीम पॉइंट मतलब बॉयलिंग पॉइंट जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है किसी भी सिस्टम के लिए, जो प्रेशर के साथ कंटिन्यूसली चेंज करता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ आइस पॉइंट, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं, तो आइस पॉइंट और प्योर एयर सेचुरेटेड वाटर के लिए आइस पॉइंट को अचीव करना और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो इसलिए ये जो स्केल है इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। फिर केल्विन और रैंकाइन एब्सोल्यूट स्केल, अच्छा इसमें एक चीज़ आती है, कौन सी चीज़ आती है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है कि थर्मोडाइनमिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि यदि किसी भी मॉलिक्यूलर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, यदि कोई मॉलिक्यूलर एक्टिविटी नहीं है, तो उस सब्सटेंस में हीट क्या होगी, जीरो होगी। हीट जीरो होगी इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, जीरो होगा, और उसको हम रेफर्ड करते हैं, क्या रेफर्ड करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। अगर केल्विन स्केल में उस एब्सोल्यूट जीरो की मैं बात करूँ, तो उस एब्सोल्यूट जीरो को हम शो करते हैं किससे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है उसको हम शो करते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गलत लिखा हुआ है 16, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और रैंकाइन स्केल में अगर हम उसको डिनोट करते हैं तो -459.67 डिग्री फारेनहाइट। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ हमारे पास ये है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, जो किसी भी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। अच्छा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी KTG के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, जैसा कि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कोई है ही नहीं, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है नहीं, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर हो गया जिसके ऊपर किसी मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद केल्विन स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर स्केल, इसको हम थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं, जिसको जीरो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हम पढ़ते हैं। ये जो भी स्केल थे कौन से, सेंटीग्रेड वाले या सेल्सियस वाले, फारेनहाइट वाले, केल्विन और रैंकिन वाले, ये सब 1954 से पहले यूज़ किए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट थे वो थे दो, एक था स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कह लें, एक था फ्रीजिंग पॉइंट या जिसको हम कह लें कौन सा पॉइंट, आइस पॉइंट। अब दो दो पॉइंट्स को मेंटेन करना मुश्किल था, क्यों मुश्किल था वो हम बात कर चुके हैं, क्योंकि स्टीम पॉइंट जो है वो लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता है, बहुत सेंसिटिव होता है रिगार्डिंग टू प्रेशर, प्रेशर के साथ उसकी वैल्यू लगातार क्या होती है, चेंज होती है, जबकि आइस पॉइंट सैचुरेटेड वाटर वेपर का और आइस का मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 1954 के बाद, यानी कि 1954 के बाद एक पॉइंट को डिसाइड कर लिया गया, जो कि कौन सा था, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो 1954 के बाद जो सिंगल रेफरेंस पॉइंट जो लिया गया वो कौन सा लिया गया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 1954 के बाद। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन गया कि 1954 के पहले कौन सा स्केल, कौन से स्केल यूज़ किए जाते थे और कौन कौन से पॉइंट्स यूज़ किए जाते थे। तो 1954 के पहले कौन सा हो गया, एक तो हो गया स्टीम पॉइंट और एक कौन सा हो गया आइस पॉइंट, जिसको आइस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं, और स्टीम पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। सिमिलरली 1954 के बाद कौन सा स्केल यूज़ हुआ और कौन सा पॉइंट यूज़ किया गया, तो कौन सा पॉइंट यूज़ किया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यूज़ किया। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कितना हो गया, 0.611 किलो पास्कल। उसके बाद एक एग्जांपल से हम इसको, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन अ न्यू टेम्परेचर डिग्री एन में कोई स्केल है, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर 400 डिग्री एन एंड 100 डिग्री एन रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले जैसा कि हमने देखा था सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल में, फ्रीजिंग पॉइंट जो कि कौन सा था, आइस पॉइंट 0 डिग्री, सबसे नीचे उसको लिखा। स्टीम पॉइंट कौन सा हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड वाले स्केल में। किसके लिए चाहिए हमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड वाली लाइन ये है, तो यहाँ पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। उसके बाद जो स्केल था वो कौन सा था, एन, उसका मिनिमम जो पॉइंट था वो कितना था, 100 डिग्री, और मैक्सिमम जो था कितना था, 400। अब इंटरपोलेशन से करना है, इंटरपोलेशन का मतलब क्या हुआ, 60 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल्स टू एन माइनस 100 अपॉन 400 माइनस 100। 60 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल्स टू एन माइनस 100 अपॉन 400 माइनस 100। तो ये कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 60 अपॉन 100 इक्वल्स टू एन माइनस 100 अपॉन 300। ये हो गया, यहाँ से क्या सॉल्व हुआ, 20 ख़त्म। उसके बाद ये कितना बना, 180, और ये बन गया एन माइनस 100।
ये कितना बन गया 180 और ये कितना बन गया 1 माइनस n माइनस 100। तो n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 180 प्लस 100 कितना हो गया 280 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट, सॉरी व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन न्यू स्केल, तो न्यू स्केल में 60 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया 280 डिग्री n, 280 डिग्री n। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते रहे हैं, जिसमें कि एक पर्टिकुलर स्केल को दूसरे पर्टिकुलर स्केल में कन्वर्ट कराया जाता है। अब इससे आगे हम बढ़े, इससे आगे बढ़े अबाउट टेम्परेचर मेजरमेंट, ये जो कि हमने पढ़ा कि ये पहले यूज किए जाते थे, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, कौन कौन से थर्मोमीटर्स यूज किए जाते हैं, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जिसमें कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो कि जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो या फंक्शन हो किसका, टेम्परेचर का, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जिसमें कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करेंगे, किस पर काम करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर काम करेंगे। पहला क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। यहाँ पर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, रेजिस्टर होती है। रेजिस्टर जो है वो टेम्परेचर का क्या होता है, यहाँ पर फंक्शन होता है, यानी कि रेजिस्टेंस। दूसरा आता है गैस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप और एक होते हैं कांस्टेंट प्रेशर टाइप। कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप में क्या होगा कि पी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी होगा, यानी कि यहाँ पर जो कांस्टेंट वॉल्यूम है उसमें प्रेशर जो है वो रोल प्ले करेगा किसका, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का। दूसरा हो गया कांस्टेंट प्रेशर वाला जिसमें जो वी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के होगा, यानी कि यहाँ पर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी, वॉल्यूम होगी। अब उसके बाद ये जो थर्मोमीटर हैं कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर टाइप के थर्मोमीटर हैं, ये टेम्परेचर मीजर कर सकते हैं लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। उसके ऊपर का टेम्परेचर मीजर करना हो तो फिर हम यूज़ करते हैं पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर इनका यूज़ करते हैं। थर्मोकपल, जैसा कि हमने बात की थी, यदि EMF एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं थर्मोकपल का। थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, थर्मोकपल काम करते हैं सीबैक इफेक्ट के हम पर। थर्मोकपल जो काम करते हैं वो किस पे करते हैं, सीबैक इफेक्ट पे। सीबैक इफेक्ट क्या होता है, सीबैक इफेक्ट होता है यदि दो डिफरेंट मेटल्स को, दो डिफरेंट जंक्शन पर ज्वाइन किया जाए और उनके जो टेम्परेचर हैं उनमें उनके जो टेम्परेचर हैं वो अलग अलग हों, तो उनके बीच में जो एक EMF जनरेट होगा वो EMF किसका फंक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। वापस से बोल रहा हूँ कि यदि कोई दो अलग अलग मेटल है, उन दोनों अलग अलग मेटल को दो डिफरेंट जंक्शन बनाया जाए, टू डिफरेंट मेटल्स आर जॉइंड एट टू डिफरेंट जंक्शन, दो डिफरेंट जंक्शन बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, उनके टेम्परेचर दोनों के क्या किया जाए, अलग अलग मेंटेन किए जाए, तो जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो जो प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा, उनके बीच में जनरेट होने वाली EMF के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कौन सा इफेक्ट होता है, ये सीबैक इफेक्ट होता है, जिससे जिसके बेस पर क्या काम करते हैं, थर्मोकपल काम करते हैं। थर्मोकपल के केस में जो इनकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, EMF। थर्मोकपल EMF इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ये फंक्शन हो गई किसका, टेम्परेचर का। एक इफेक्ट और होता है पेल्टियर इफेक्ट, जो कि जस्ट रिवर्स होता है किसका, सीबैक इफेक्ट का। पेल्टियर इफेक्ट जो कि जस्ट रिवर्स होता है किसका, सीबैक इफेक्ट का, और जिसको कहाँ यूज किया जाता है, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन में। कहाँ यूज किया जाता है, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन में। तो अगर SSC JEE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहे हैं, एक बार वापस से उनको मैं ब्रीफ में अगर आपको बताऊं तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो किसका बेस है, यानी कि टेम्परेचर का बेसिस जो है वो कौन सा लॉ है। इसी तरह से कौन कौन से स्केल यूज होते हैं, 1954 से पहले कौन से स्केल यूज होते थे, 1954 के बाद कौन से स्केल यूज होते हैं, स्टीम पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। इसी तरह से 1954 के बाद जो स्केल यूज़ हो रहा है वहाँ पर जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो क्या है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें एक टाइप के स्केल को दूसरे टाइप के स्केल में कन्वर्ट कराया गया, उसको हमने बहुत ईजिली सॉल्व किया, जो कि हमने किसे इंटरपोलेशन से उसको हमने सॉल्व किया। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं SSC JEE के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो क्वेश्चन हैं बहुत प्रेडिक्टेबल है, लगभग रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आते रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना कोई भारी काम नहीं है इस चीज़ को रिवाइज करना, आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आया भी होगा होपफुली, और पहले से भी ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। और ब्रीफ में जो जितना मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया ब्रीफ में, बहुत
तो ये सफिशेंट है अगर मैं एक मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से इसकी बात करूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे हीट एंड वर्क, यानी कि वर्क एनर्जी के जो दो फॉर्म है वर्क एंड हीट, जिसके बारे में पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स डील करती है, तो उसके बारे में हम डील करेंगे। तो आई होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया हो, और जितना भी हमने अभी आज इस क्लास में पढ़ा अबाउट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और नेक्स्ट क्लास में जैसा कि मैंने बताया हम डील करेंगे किसके लिए, हीट एंड वर्क के लिए। तो थैंक यू। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।